क्या भारत कर्ज में डूब रहा है? 2014 से 2023 के बीच का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो 174% बढ़ गया है। जी हां गाइस, और सिर्फ इंटरनल कर्ज नहीं, एक्सटर्नल डेट भी बढ़ गया है। और इस चीज पर ऑपोजिशन पार्टी व्हाइट पेपर लाने की बात कर रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2014 से 2023 के बीच में भारत पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, तो फिर भारत का कर्ज 174% कैसे बढ़ गया? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे जाने के बाद, यानी कि पीएम मोदी के आने के बाद, भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ गया है। तो आइए गाइस इस टॉपिक को समझते हैं, क्या सच में भारत 174% कर्ज में और डूब गया है एज कम्पेयर 2014। गाइस आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, वरना कोई भी आपको मूर्ख बना देगा कि भारत कर्ज में डूब रहा है और तुम बात करते हो भारत की तरक्की की। ऐसे में आप उस टाइम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए समझते हैं भारत सरकार को कर्ज कौन देता है, क्या भारत सच में पीछे जा रहा है या ग्रोथ कर रहा है। भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से एक डाटा आया है, और ये कोई नकली डाटा नहीं है, ये मैं आपको असली डाटा दिखा रहा हूँ। 174% भारत का जो कर्ज है वो इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में भारत का जो कर्ज था वो 58.6 लाख करोड़ था, और आज वो हो गया है 155.6 लाख करोड़। लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अमाउंट के हिसाब से तो ये कर्ज बड़ा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सुनिए। अधिकतर आधी जानकारी वाले लोग आपको बताएंगे कि 2013 में कांग्रेस की सरकार में भारत का जो कर्ज था वो मात्र 58 लाख के करीब था, और मोदी की सरकार में अभी ये कर्ज 58 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन गाइस जो आपको सिर्फ ये चीज बता रहा है तो इसका मतलब वो अधूरा जानकार है। दोस्तों 2013-14 में इंडिया की जो जीडीपी थी, जीडीपी यानी कि भारत का इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग से देखा जाए तो 2013-14 में ये कर्ज लगभग 52% था, और अभी ये 57% है, यानी कि 2013 से 2023 तक में मात्र 5% बढ़ा है। जी हाँ गाइस, इसका मतलब साफ है गाइस कि हमारा कर्ज तो बड़ा है पर हमारा जीडीपी भी बड़ा है। अब इसे आप लोकल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपया है और आप पर 10,000 का उधार है, 10,000 का कर्ज है 2013-14 में, लेकिन अब 2022-23 में आपकी जो मंथली इनकम है वो 80,000 रुपया हो गई और आप पर जो कर्ज है वो 60,000 हो गया। तो आपके इनकम के हिसाब से जो आपका कर्ज है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, 80,000 में आपका 60,000 उधार है। अगर आप मंथली इनकम से 60,000 रुपया चुकता भी कर देते हैं तो भी आप प्रॉफिट में हैं, आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और ठीक यही चीज हो रहा है यहाँ पर। 2013-14 में भारत की जो जीडीपी थी वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन अभी हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, और वर्तमान सरकार का यही टारगेट है। और अगर गाइस ऐसा होता है तो भारत जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया के टॉप 3 कंट्री के लिस्ट में शामिल हो जाएगा, यानी कि अमेरिका, चाइना के बाद 3रा नंबर पर भारत का नाम होगा जीडीपी के मामले में। अभी हम 5वें नंबर पर हैं। तो गाइस अब आप ये चीज समझ चुके होंगे कि भारत का कर्ज बड़ा है लेकिन भारत के इनकम के हिसाब से कर्ज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इंटरनल कर्ज और एक्सटर्नल कर्ज में क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों भारत का जो इंटरनल डेट है वो 147 लाख करोड़ है और जो एक्सटर्नल डेट है वो नियरली 5 लाख करोड़ है। गाइस ये डाटा चेंज होते रहता है डे बाय डे। गाइस अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि भारत में कर्ज के मामले में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत अभी विकासशील है, मतलब हम विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं। और कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग फेस में होता है तो वह कर्ज लेकर अपने देश को आगे बढ़ाता है, नो डाउट। हाँ अगर हमारे देश का सिर्फ कर्ज बढ़ता तो सोचने वाली बात थी, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कर्ज में डूबते जा रहा है और जीडीपी भी उसकी कम है, ऐसे में ये उनके लिए समस्या है। लेकिन गाइस भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सरकार प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है और लोगों को बैंक से जुड़ने का प्रयास कर रही है, लाइक जनधन योजना। हमारे भारत में बहुत पैसा है, इतना कि हमें दूसरे देश से कर्ज ना लेना पड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ज्यादातर कैश लेन देन करते हैं, इसलिए भारत सरकार UPI लेकर आई ताकि भारत को कैशलेस इंडिया बनाया जा सके। जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उस पैसे को सरकार यूज करेगी देश के विकास में, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। अगर हर कोई अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा या बैंक में इन्वेस्ट करेगा तो भारत को दूसरे देश से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है गाइस कि भारत का जो कर्ज है वो बहुत ही ज्यादा है, भारत का इनकम अच्छा है और हमारे पास 550 बिलियन डॉलर से 600 डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा रिजर्व में है कि हम अपना कर्ज उतार सकते हैं। हमारा कर्ज ट्रिपल हुआ है ये सच है, लेकिन हमारा जो इनकम है वो भी इंक्रीज हुआ है। और गाइस भारत का कर्ज बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कोविड-19। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सभी प्राइवेट बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, पूरा का पूरा भारत ठप पड़ गया था। लेकिन गाइस सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा था ना, सरकार को देश चलाना था, जैसे कि हर भारतीयों को वैक्सीन देना था। अब इसमें सरकार कर्ज लेकर ये काम करे चाहे जैसे भी करे, करना तो सरकार को ही था, इसलिए भारत सरकार ने कर्ज लिया और भारत का कर्ज बढ़ा।
लेकिन गाइस कर्ज बढ़ा तो क्या हुआ, अब हम उसे रिकवरी कर पा रहे हैं और जीडीपी के हिसाब से हम लॉस में नहीं चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये हो सकता है कि सरकार अगर इतना कर्ज ले रही है तो सरकार इतने पैसे का यूज कहाँ कहाँ कर रही है। इसका एक व्हाइट पेपर विपक्ष को देना होगा सरकार को, क्योंकि गाइस इतना कर्ज लेने के बाद भी अगर देश की गरीबी खत्म नहीं हो रही है तो ये सवाल उठता है प्रेजेंट सरकार पर कि सरकार लोन के पैसे को लगा कहाँ रही है। भारत में 23 करोड़ की आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा में आती है, तो अगर भारत सरकार इतना ज्यादा कर्ज ले रही है और कर्ज लेने के बाद भी इन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर नहीं ला पा रही है तो सरकार को यहाँ पर जवाब देना होगा। भारत को अपना फंडामेंटल स्ट्रांग रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा कर्ज, इतना सारा पैसा सिर्फ अमीरों के पॉकेट में जाए और गरीब आदमी और गरीब होता जाए और अमीर आदमी और अमीर होता जाए। इसलिए गाइस हमारे देश के विपक्ष का जो मांग है व्हाइट पेपर कर्ज के ऊपर, ये भी सही है, लेकिन गाइस इसमें इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारा कर्ज बढ़ रहा है तो हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है और जीडीपी के हिसाब से हम सही हैं। आई होप कि गाइस आपको भारत की प्रेजेंट इनकम की ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मेंस के पेपर में आप इसे लिख सकते हैं। ये बातें आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एंड आई थिंक कि जो आम नागरिक है, जो स्टूडेंट नहीं है, वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। और गाइस अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।